हेलो एवरीवन, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई एक ऐसा देश जिसने एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाया है तो वो है चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी के पावर में आने के बाद से आज तक इस 70 साल में चीन ने अपना साइज डबल कर लिया दूसरे देश के जमीन पे कब्जा करके। चाइना ने ये सब किया एक टैक्टिक्स के तहत जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी या फिर सलामी अटैक्स। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से पहले वो जान लेते हैं। यह माना जाता है यह टैक्टिक्स को गढ़ा गया था 1940s में एक स्टालिनिस्ट डिक्टेटर रकौसी द्वारा, जिसने हंगरी में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाया। रकौसी ने उस समय दावा किया था कि उन्होंने गैर कम्युनिस्ट पार्टियों को सलामी के स्लाइस की तरह काटकर नष्ट कर दिया। देखो, इसमें जो सलामी वर्ड है वह एक फर्मेंटेड फ्राइड मीट है जो आमतौर पर सुअर का होता है। आगे जानेंगे यह टैक्टिक्स काम कैसे करता है और उसके साथ यह भी जानेंगे चीन कैसे अपने पड़ोसी देश पे कब्जा किया और करते जा रहा है। यह स्ट्रेटेजी डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक्स पे काम करता है, जिसका मतलब है सबसे पहले छोटे हिस्से पे कब्जा करो, फिर उससे आगे का छोटा हिस्सा, इस तरह धीरे धीरे बड़े हिस्से पे कब्जा। इससे छोटे मोटे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का संभावना रहता है, फुल स्केल वॉर का संभावना बहुत ही कम है। इस वजह से होता यह है कि सामने वाला देश कंफ्यूज जाता है कि कितना और कब रिस्पॉन्ड करना है। छोटे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से इंटरनेशनल मीडिया में इतना खबर नहीं बनता और ना ही कोई ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। चाइना ने यह टैक्टिक्स यूज करके इतना जमीन कब्जा चुका है ना, आप जान के हैरान रह जाओगे। शुरुआत करते हैं जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आया 1948 में। उस समय तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश था जिसपे बुद्धिस्ट संत का रूल था। चीन ने तिब्बत पे अटैक किया और पूरा तिब्बत पे कब्जा कर लिया अपने फोर्स के मदद से। उसके बाद चीन ने जिनजियांग पे भी कब्जा कर लिया। ये दोनों स्लाइस मिलके चीन के क्षेत्र को दुगना कर दिया। ये धोखेबाज चीन यहां तक भी नहीं रुका और फिर 1962 में भारत पे हमला कर दिया और कई सौ किलोमीटर पे अपना कब्जा कर लिया। भले ही इंटरनेशनल प्रेशर और भारत के जोश के कारण से चीन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने अक्साई चीन को नहीं छोड़ा। यह था चीन का अगला स्लाइस। चीन यह टैक्टिक्स अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से लागू करता है। जैसे लद्दाख रीजन में चीन ने अपने हान प्रजाति के चरवाहे को भेजा था ताकि वो लोग अपने लद्दाख के चरवाहे को पीछे करें और रास्ता बन जाए चीन के अगले स्लाइस का। भारत और तिब्बत के जमीन कब्जाने के बाद चीन अपने ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ गया और 1974 में पैरासल आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया, जो पहले वियतनाम के कंट्रोल में था। चीन एक सांसा सिटी बना दिया आइलैंड पे ताकि फिर से कोई इस पे क्लेम ना कर पाए। उसके बाद 1988 में फिर से वियतनाम पे अटैक करके उससे जॉनसन रीफ छीन लिया। उसके बाद आया फिलीपींस का नंबर, मिसचीफ रीफ 1995 में, और फिर स्कारबोरा सोल 2012 में कब्जा लिया साउथ चाइना सी में। चीन जापान के पीछे भी पड़ा हुआ है और जापान के सेनकाकू आइलैंड को अपना बताता है और चाइनीज लोग उसे डायायू आइलैंड कहते हैं। अगर मैं चाइना के क्लेम पे बात करते जाऊंगा तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर से इंडिया पे आते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को अपना साउथ तिब्बत कहता है। उसके साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट को अपना बताता है। चीन का अगला स्लाइस हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ करने का सोच है। कुछ साल पहले डोकलाम में बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था। एक्सपर्ट मानते हैं यह चीन का अगला स्लाइस था ताकि वो डोकलाम पे कब्जा करके वहां से सिलीगुली कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, उस पर नजर रखे और कोशिश में लगा रहे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी हिस्सों से काट दे। आप इस छोटे वीडियो में समझ गए होंगे चीन की सलामी स्लाइस टैक्टिक्स, और अब यह टैक्टिक्स बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है पूरे दुनिया को। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे तरह से पागल और सनकी है, जिसे अपने देश के लोगों का भी फिक्र नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।